गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम गीतांजलि बजाज, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे धनवर्षा प्रोग्राम क्या है और नया पर्सन अगर मोदी केयर ज्वाइन करके धनवर्षा का बेनिफिट लेना चाहता है और इनकम को बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा। मान लेते हैं एक न्यू पर्सन है जिन्होंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 5 मंथ में से किसी भी एक मंथ में जब उन्होंने ज्वाइन किया, क्राइटेरिया मंथ अप्रैल से लेकर अगस्त तक है, तो अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको सबसे पहले सेम मंथ में करना है 100 PV, 2700 बिजनेस वॉल्यूम, 5 to 6000 तक की शॉपिंग पर हो जाते हैं। और अगर वो दो न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाकर उनको भी मोदी केयर समझाते हैं, उनको एनरोल करवाते हैं और 4000 GBV, 150 PV अप्रोक्सीमेट, 150 PV एंड खुद का हो गया 100 PV, तो टोटल ग्रुप PV हो गया यहाँ पर 400। तो दोस्तों, आइए कैलकुलेट करते हैं ए का बोनस क्या है। तो इसको हम फास्ट स्टार्ट 10% की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू पर्सन ज्वाइन करते हैं 240 GPV करते हैं तो उनको फास्ट स्टार्ट 10 बोला जाता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। तो बोनस ऑफ ए खुद का हुआ 2700 बिजनेस वॉल्यूम, उसके ऊपर मिलेगा 10%, तो 200 बोनस बनेगा 270 रुपीज़। अगर ए बी की बात करें तो ये 7% पर है, ए 10% पर है, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 3%, तो 3% ऑफ 4120 रुपीज़। 4000 बीवी ही सेम सी का भी है, तो 3% ऑफ 4120, तो उस मंथ का समीर मोदी आज़ादी प्लान के हिसाब से चेक बनता है 510 रुपये। क्योंकि वो फास्टर 10% है तो उसके लिए उनको मिला फ्री प्रोडक्ट्स कंपनी की तरफ से 778 के। तो टोटल बेनिफिट कितना मिला फर्स्ट मंथ में, इनकम है 510 रुपीज़, प्रोडक्ट मिले फ्री में 778, तो टोटल बेनिफिट मिला 1288। और क्योंकि वो धनवर्षा में पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अर्ली बर्ड ऑफर का फ़ायदा लिया, तो फर्स्ट मंथ के ऑफर के हिसाब से धनवर्षा में कंपनी अपनी तरफ से 1000 उनके अमाउंट में ऐड करके देंगी, तो टोटल दोस्तों वो बेनिफिट ले सकते हैं 2288। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर वो नेक्स्ट मंथ में भी इसका हिस्सा बनते हैं, मान लेते उनके पास समय है अप्रैल से लेकर अगस्त में, सेकेंड मंथ उनको मिल जाता है मौका, तो नेक्स्ट मंथ में क्या करना है उनको, नेक्स्ट मंथ में सेम उनको 2700 बीवी करना है, बट उनके पास अब जो करना होगा उनको 4 लेग्स के साथ करना है। उन 4 लेग में वो पुराने भी कोई हो सकते हैं, नए भी सारे हो सकते हैं, एक पुराना बाकी सारे नए हो सकते हैं, तो मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, 4000 GBV, 4000 GBV, 4000 GBV, 4000 GBV। और मान लेते हैं जो लास्ट मंथ का कि लोग जो लास्ट मंथ की उनकी ज्वाइनिंग थी उन्होंने कंटिन्यू किया, तो 200 वो अगले मंथ आ जाएंगे 10% पर। और हो सकता है ये 3 नए हों तो वो 7% के हिसाब से मैंने यह स्ट्रक्चर बनाया, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 200 150 मिनिमम, 150 150 150, टोटल 700 पीवी हो गया। अगर हम इसी कैलकुलेशन करें तो हो गया 700, और लास्ट मंथ उन्होंने किया था 400, तो एक्यूमुलेशन हुआ है 200 यहाँ पर 1100। क्योंकि आप सभी को पता है प्लान के हिसाब से APB स्लैब्स के हिसाब से जब 1200 PV हो जाता है एक्यूमुलेशन, तो जो परसेंटेज है चेक की वो बढ़ जाती है, तो अगर वो 100 PV और कर लेते हैं तो टोटल APB की परसेंटेज बनेगी 13% स्लैब के हिसाब से। तो A का बोनस 2700 BV के हिसाब से कितना बनेगा आप समझते हैं, इनकम हुई टोटल ए की, क्योंकि वो 13% के टाइटल पर आ गए एक्यूमुलेशन के हिसाब से, मतलब इनका जो है वो है अब 13% एक्यूमुलेशन के हिसाब से। अब ये 13% पर है, ये 10777, जैसे मैंने पहले बताया वैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 2700 इंटू 13% 351 रुपीज़। बी क्योंकि 10% पर है तो डिफरेंस हुआ 3, 4000 इंटू 3 120। सी हमने लिया 7%, डी एंड ई तीनों 77% के स्लैब कर पर हैं, तो 4000 इंटू 6 तीनों का बोनस 240 240 240, तो 1191 रुपीज़। तो सेकेंड मंथ में कंपनी उनको क्या देंगी, 1191 अकॉर्डिंग टू समीर मोदी आज़ादी प्लान, पर धनवर्षा में उन्होंने पार्ट लिया, स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, क्राइटेरिया को फॉलो किया, तो उनको 1500 रुपये ऐड होके उनको मिलेगा 2691 रुपीज़ का टोटल बेनिफिट। दोस्तों, ये था सेकेंड मंथ। अगर उनके पास थर्ड मंथ भी है और फोर्थ मंथ भी है तो थर्ड मंथ में ऐड होंगे 2000 रुपीज़, फोर्थ मंथ में ऐड होंगे 3000 रुपीज़। तो अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें 13% की कैलकुलेशन है, तो इसको आप कंटिन्यू वहाँ से देख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से 4 मंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, ये ऑसम बेनिफिट है। थैंक यू सो मच।